हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि एनटीए नेट जीआरएफ इंग्लिश सेकंड पेपर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के बारे में मैं 10 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करके लाया हूँ और आपको प्रेजेंट करूंगा, आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो बिल्कुल आप कलम और नोटबुक लेना ना भूलें, वीडियो को बीच में पास करके अपने पॉइंट्स को जरूर नोट कर लें। यदि आप नोट बनाना नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप नोट ना बनाएं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को जब दोबारा देखिए तो इसको कम से कम एक दिन का अंतराल दीजिए, फिर जब तीसरी बार देखिए तो 3 दिन के अंतराल पर, चौथी बार देखिए तो कम से कम 7 दिन के अंतराल पर, और पांचवी बार देखिए तो 15 दिन के अंतराल पर। इस तरह से करके आप 5 बार रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए, नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पॉइंट्स आपके माइंड में याद हो जाएंगे। तो करना आपको है, जैसे आप बेहतर तरीके से तैयार कर पाए करिए। हाँ, वीडियो को इसके मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। इस चैप्टर का नाम जो कि चैप्टर नंबर 6 है, जिसको आज मैं प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, उसका नाम है न्यू क्लासिकलेस। इसको द अगस्टन एज के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है द एज ऑफ रीजन। तो इसके पहले का जो पीरियड रहा है या एज रहा है वो है द प्यूरिटन एंड रेस्टोरेशन एज, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। और इसके बाद का जो एज है वो है रोमांटिक एज, जो चैप्टर नंबर 7 है। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, चैप्टर का नेम न्यू क्लासिकल एज, द अगस्टन एज या फिर द एज ऑफ रीजन। ये शुरू होता है 1700 ईस्वी में और जाकर के समाप्त होता है 1798 ईस्वी में। इन दिस वीडियो यू विल फाइंड हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं नई जोश नई ऊर्जा के साथ आपके लिए लगातार वीडियोस बना करके अपलोड करता रहूं। तो हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आपका है ये न्यू क्लासिकल एज, जिसे द अगस्टन एज भी कहते हैं, इसी को द एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। तो न्यू क्लासिकल एज, द अगस्टन एज और द एज ऑफ रीजन, इसका पीरियड माना जाता है 1700 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक। आप नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए। इसको आप पहला पॉइंट भी मान सकते हो। इसके तीनों नेम्स जो है आप याद रखिए और इसका पीरियड 1700 से 1798 ईस्वी तक आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था मैं आपके लिए इस वीडियो में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लाऊंगा न्यू क्लासिकल एज का और लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स लाऊंगा। तो उसके पॉइंट्स आपके सामने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। चलिए एक एक करके इनके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, द टर्म अगस्टन, यानी जो अगस्टन यहाँ आया है, ये जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कम्स फ्रॉम द एज ऑफ एम्परर अगस्टस सीजर, यानी एम्परर अगस्टस सीजर जो थे उनके शासनकाल से, उनके एज से, यानी इनके नेम में जो अगस्टस आया था उससे निकाला गया है, तब जाकर कि ये अगस्टन एज नाम पड़ा है इस एज का। तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है, द क्लासिकल अगस्टन एज, ये जो न्यू क्लासिकल अगस्टन एज है ये थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा होगा। द क्लासिकल अगस्टन एज ये माना जाता है 18वीं शताब्दी से जस्ट पहले, यानी 18वीं शताब्दी से लगभग 20-25 साल पहले का जो काल रहा है वो न्यू क्लासिकल अगस्टन एज माना जाता था। वो क्या है? वाज द गोल्डन एज ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य का वो सुनहरा काल था, वो रोमन साम्राज्य का सुनहरा काल था। तीसरा जो पॉइंट है वो है, द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी वाज द गोल्डन पीरियड, यानी जो पीरियड था 18वीं शताब्दी का पूरा पीरियड वो गोल्डन पीरियड माना जाता था इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी पूरे इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उसमें 18वीं शताब्दी को सबसे सुनहरा
पीरियड माना जाता था। यहाँ पर गोल्डन एज की बात की जा रही है और यहाँ पर गोल्डन पीरियड की बात की जा रही है। ये रोमन एम्पायर में गोल्डन एज था, न्यू अगस्टन एज, और ये 18th सेंचुरी जो पीरियड था वो इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री में सबसे गोल्डन पीरियड था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी को मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा, क्या कहा, एज द एज ऑफ प्रोस एंड रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि किसने कहा था, यानी 18th सेंचुरी को किसने द एज ऑफ प्रोस एंड रीजन कहा था, तो नोट कर लीजिए इसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स का मतलब होता है सामयिकी, क्रिमिनल बायोग्राफीज यानी आपराधिक जो जीवनियां हैं, ट्रेबलॉग्स यानी यात्रा वृत्तांत, पॉलिटिकल एलिगोरीज यानी जो राजनीतिक रूपक या दृष्टांत रहे हैं, एंड रोमांटिक टेल्स और जो रोमांटिक कहानियां रही हैं, न्यू प्रोज फॉर्म रहे हैं द अगस्टन एज के, यानी पीरियोडिकल्स, क्रिमिनल बायोग्राफीज, ट्रेबलॉग्स, पॉलिटिकल एलिगोरीज एंड रोमांटिक टेल्स, ये अगस्टन एज के न्यू प्रोज स्टाइल रहे हैं, न्यू प्रोज फॉर्म्स रहे हैं। और नंबर 6 जो पॉइंट है उसको देखते हैं, द प्री डोमिनेंस ऑफ सेटायर। प्री डोमिनेंस मीन्स प्रधानता थी, महत्व था ऑफ सेटायर व्यंग का, यानी इस द अगस्टन एज में काफ़ी प्रधानता थी सेटायर की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 7, राइज ऑफ नॉवेल एज अ जेनर, यानी इस काल में द अगस्टन एज में या फिर द न्यू क्लासिकल एज में या फिर द एज ऑफ रीजन में उत्थान हुआ एक जेनर का, रचना पद्धति का, जिसका नाम था नॉवेल। और इसको राइज करने वाले कौन थे, राइटर्स कौन कौन से थे, डेफो थे, रिचर्डसन थे, फील्डिंग थे और स्मॉलेट थे। नोट कर लीजिए स्मॉलेट, फील्डिंग, रिचर्डसन, डेफो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ एक लाइन और जुड़ा है इसको भी देख लेते हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस एज, यानी प्रणेता रहे हैं ये, कह सकते हो कि व्याख्याता रहे हैं ये, किसके, इस जेनर के, यानी नोबेल जेनर के प्रणेता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं द हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट किसे कहते हैं, यहाँ ब्रैकेट में मैंने दे रखा है टू लाइंस ऑफ राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, इसमें टोटल 5 आयम्बिक फीट होते हैं, टोटल मिला करके एक लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं, और एक सिलेबल जो है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और उसके पीछे जस्ट स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है। इसके बारे में मैंने विस्तार से एक वीडियो में बताया है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ कि जो भी वीडियोस मेरी देखिए उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढेर सारे वीडियोस के लिंक होते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, उसको ज़रूर देखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 9, सेंटीमेंटल कॉमेडी, यानी भाव से जुड़ी हुई, भावना से जुड़ी हुई कॉमेडी, यानी रसिक कॉमेडी भी कहते हैं इसको। तो ये काफ़ी प्रमुखता रही है इसकी, रसिक कॉमेडी भी इसका जो है फीचर है, ये एक यानी लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक है अगस्टन एज का। हाँ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 10, द इनलाइटनमेंट मूवमेंट, यानी ज्ञानोदय आंदोलन, इसको काफ़ी फेमस किया था यानी पॉपुलराइज्ड किया था वोल्टेयर और रूसो ने, यानी इसको काफ़ी पॉपुलर किया था वोल्टेयर और रूसो ने, और किस रूप में, द आइडियाज ऑफ द एज ऑफ द रीजन, यानी द आइडियाज ऑफ द एज ऑफ रीजन, यानी रीजन तर्क का जो विचार था उसको पॉपुलराइज किया था वोल्टेयर और रूसो ने, और इसी को ही इनलाइटनमेंट मूवमेंट कहते हैं। बैकन, अगला पॉइंट है नंबर 11, बैकन, लॉक और हॉबीज जो थे ये प्रिकर्सर्स रहे हैं इनलाइटनमेंट मूवमेंट के, यानी प्रणेता रहे हैं इनलाइटनमेंट मूवमेंट के। तो इस तरह से टोटल जो मैं 10 पॉइंट्स लेकर के आया था वो मैं डिलीवर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर करने लायक समझिए तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स या आपके सर्कल में जो भी हो उनकी भी हेल्प करिए, और कमेंट करिए मेरे लिए कुछ हेल्दी कमेंट्स या जो भी कमियां हो तो बिल्कुल आप बेहिचक बताइए। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अंत में मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।